दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी आईडी से कितनी सिम फर्जी चल रही हैं और कौन आपकी आईडी से सिम यूज़ कर रहा है, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि उस सिम को आप कैसे बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, फर्जी सिम से आपराधिक घटनाओं के बारे में तो आप रोज़मर्रा सुनते ही होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी आईडी से कहीं ऐसी कोई सिम इस्तेमाल हो रही हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी आईडी से कौन कौन सी सिम चालू है इस टाइम, और उसे आप रिक्वेस्ट करके एक छोटी सी ऐप से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे आपको इसको डीएक्टिवेट करना है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अनुसार एक यूज़र के नाम पर नो मोबाइल कनेक्शन ही ले सकते हैं, यानी कि एक यूज़र अब नो मोबाइल कनेक्शन ले सकता है। दूसरा, यही संख्या ई सिम की 18 है, यानी कि एक व्यक्ति की आईडी पर आप 18 सिम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नीचे लिखी हुई दे दूँगा या लिखी आ जाएगी वेबसाइट, कि ये वाली वेबसाइट आपको खोलनी है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, tapcom.dgtelecom.government.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, और आप उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास एक मैसेज आएगा, इसमें आपकी नाम पर जितनी भी सिम चल रही होंगी उनके वहाँ पे शो हो जाएंगे कनेक्शन की, आपके नाम से कितना कनेक्शन चल रहे हैं। जब आपके सामने नंबरों की सूची आ जाएगी तो आप अपने हिसाब से किस नंबर को बंद कराना चाहते हैं उसकी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पर एक ऑप्शन आता है, अगर आपको वो नंबर यूज़ नहीं कर रहे और आप देख रहे हैं वो नंबर एक्टिवेट है, तो आप उसे बंद कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से। रिपोर्ट करने के बाद यह टेलीकॉम कंपनी उस नंबरों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी, और इसके लिए आपको एक टिकट आईडी मिलेगी जिससे इसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी कि आप टिकट आईडी से सर्च भी कर सकते हैं कि आप प्रक्रिया आपकी कहां तक पहुंची है। और इस प्रक्रिया को अभी पूरे भारत में लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल ये प्रक्रिया जिस जिस जगह लागू है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इस प्रक्रिया को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए लागू किया गया है, और इसको पूरे भारत में लॉन्च होने की जल्द ही पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगी। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर कुछ थोड़ा लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।